इस कार्रवाई को देख रहे हैं ना आप, कैसे करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और कैसे योगी सरकार का दबंगों और दबंगई करने वालों पर एक्शन जारी है। चलिए अब आपको पूरा माजरा बताते हैं, आखिर ये एक्शन क्यों और किस पर लिया गया। ये एक्शन समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्र के परिवार वालों पर हुआ। आपको ये भी बता दें कि विजय मिश्र इस समय जेल के अंदर बंद है और अपने किए की सजा भी काट रहा है। दरअसल प्रशासन ने विजय मिश्र के बेटे की पत्नी रूपा मिश्रा का 11 करोड़ 55 लाख रुपए का फ्लैट को कुर्क कर दिया। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय कुमार मिश्र वर्तमान में आगरा की जेल में बंद। पुलिस प्रशासन उनके करीबियों की संपत्तियों की जांच करते हुए कार्रवाई में जुटी है। पुलिस के मुताबिक सुशांत गोल्फ सिटी के विला नंबर 39 में रूपा मिश्रा के फ्लैट को कुर्क करने के लिए पहुंचे। आरोप लगा फ्लैट की रजिस्ट्री विजय कुमार मिश्र ने अपने बेटे विष्णु मिश्र की पत्नी रूपा मिश्रा के नाम से करवाई और फिर लखनऊ के जिलाधिकारी गौरांग राठी ने इस फ्लैट को कुर्क करने का आदेश 1 दिसंबर को दे दिया। इसी के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की। शासन स्तर पर चिन्हित कुख्यात माफिया और गैंगस्टर विजय मिश्रा की अपराध से अर्जित अपने और अपने परिजनों के नाम से खरीदी गई लखनऊ में लगभग 11.5 करोड़ की सुशांत गोल्ड फोर सिटी में एक विला स्थित थी, उसको डीएम भदोही का कुर्की का आदेश हुआ था। उसी आदेश के अनुपालन में आज भदोही पुलिस की टीम ने लखनऊ पहुंचकर लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस और लखनऊ जिला प्रशासन के सहयोग से इस संपत्ति को आज कुर्क किया गया है। बहरहाल इस कार्रवाई से ये तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कोई भी हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसका बच पाना मुश्किल नजर आता है। रिपोर्ट, जेबीटी लाइव।